भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि ये 2019 तक पूरा हो जाएगा। चेनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा यह ब्रिज 359 मीटर ऊंचा होगा। इसकी ऊंचाई पेरिस के आइफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा होगी तथा यह 1.3 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट का 70% काम पूरा हो चुका है। 1200 कर्मचारी व 300 इंजीनियर्स की मदद से यह आने वाले कुछ हफ्तों में आम जनता के उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। सूत्रों की माने तो यह भूकंप तथा बम ब्लास्ट निरोधी ब्रिज है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। भारतीय इतिहास में यह ब्रिज गर्व से जाना जाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फिलहाल अपने पहले चरण की अंतिम सीमा पर है। 2019 तक इस एयरपोर्ट से हर साल 1 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे और पूरा होने के बाद यह सालाना 6 करोड़ यात्रियों के सफर को मुमकिन करेगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 16,000 करोड़ रुपए होगी। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के बाद यह मुंबई में दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह एयरपोर्ट कॉपर पनवेल में बनाया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के खुलने के बाद मुंबई हवाई यातायात दुनिया के सबसे ऊंचे पायदान पर होगा। चारंका सोलर पार्क गुजरात के पतन जिले में 500 एकड़ में फैला है। इस पार्क में अलग अलग निर्माताओं के 19 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनका उद्देश्य सौर ऊर्जा से बिजली बनाना है। एक बार पूरी तरह तैयार होने के बाद यह पार्क सालाना 968 मेगावोल्ट बिजली उपलब्ध कराएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 4500 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 करोड़ रुपए जमीन तथा संरचना के लिए तथा 4000 करोड़ रुपए सोलर पैनल के लिए खर्च होगा। इस प्रोजेक्ट ने तकरीबन 1000 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। आने वाले समय में इस सोलर पार्क से बनी बिजली हर साल 9 लाख टन प्राकृतिक साधन बचाएगी और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति संरक्षण का एक उदाहरण होगी। बनिहाल काजीगंज रोड टनल जम्मू कश्मीर के पीर पांजाल रेंज में 8.5 किलोमीटर लंबा टनल होगा। इस सुरंग को बनाने की शुरुआत 2011 में हुई थी। फिलहाल बनिहाल पास के नीचे जवाहर टनल का उपयोग किया जाता है। यह 2200 मीटर की ऊंचाई पर है और ज्यादा ऊंचाई होने के कारण यहां यातायात सीमित है, पर यह नई सुरंग 1790 मीटर की ऊंचाई पर होगी, यानी पुरानी सुरंग से 400 मीटर कम ऊंचाई पर, और इसके कारण यहां भूस्खलन का खतरा भी कम होगा। उम्मीद है कि यह सुरंग 2019 तक पूरी हो जाएगी और पूरा होने के बाद यह बनिहाल और काजीगंज के बीच की दूरी को 16 किलोमीटर तक कम कर देगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2000 करोड़ रुपए है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना में एक दो तरफा सुरंग को तैयार किया जा रहा है। यह सुरंग उत्तराखंड में तैयार की जाएगी और इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर होगी। इस सुरंग के अंदर से ही एक रास्ता धरासू की तरफ निकलेगा तथा एक यमुनोत्री की तरफ जाएगा। 4 साल तथा 1300 करोड़ की लागत से बनी यह सुरंग यात्रियों के लिए चार धाम यात्रा को आसान बना देगी। इस सुरंग के निर्माण से पहले सरकार ने पहाड़ों के साथ ही एक रास्ता बनाने की तरकीब सोची थी, पर सुरंग के बनने से पेड़ों का भी बचाव हो जाएगा। यह सुरंग यात्रियों के समय और पर्यावरण के लिए सिद्ध साबित होगी।